हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल तिखी रसोई में स्वागत है। आज मैं आपके लिए अपनी तीखी रसोई में कुछ तीखा नहीं, एक बार फिर से एक मीठा बनाने वाली हूँ। यानी कि आज मैं एक मीठी रेसिपी लेके आई हूँ। ये आज मैं बनाने वाली हूँ रंग बिरंगी बर्फी। जी हाँ, आज मैंने कुछ फूड कलर्स को यूज़ किया है और कुछ इजी एक बड़ी ही सुंदर बर्फी बनाना सिखा रही हूँ। ये बर्फी बच्चों को देखने में जितनी सुंदर लगेगी उतनी ही खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। और ये बर्फी को आप बनाकर कम से कम एक हफ्ते तक अपने घर में रख सकते हैं। आपके मेहमान आए, उनको खिलाएं, बच्चों को खिलाएं और खुद खाएं। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ इस रेसिपी से रिलेटेड टिप्स दिए हैं जो कि आपको ये बर्फी बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मेरे वीडियोस को लाइक करें, जिससे कि मेरा वीडियो आपकी लाइक लिस्ट में रहेगा। और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मेरी रसोई में चलते हैं रंग बिरंगी बर्फी बनाने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हम 1 कप शुगर देंगे, 2 कप्स मिल्क पाउडर और 1.5 कप्स कोकोनट पाउडर। ये ग्रीन कार्डेमम पाउडर है और ये कुछ कलर्स हैं मेरे पसंद के, आप अपने पसंद के देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हम मिल्क पाउडर डालेंगे, कोकोनट पाउडर और शुगर, इन सभी को इकट्ठा एक साथ मिक्स कर देंगे। और फिर कार्डमम पाउडर डालेंगे 1, 2 एंड 3 स्पून। मैंने यहाँ 3 स्पून्स डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। अगर आपको कम डालना है आप कम डालिए। अब मिल्क डालेंगे हम इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर, 2 कप्स मिल्क डालेंगे और इसको अच्छे से एक डो गूंद लेंगे। हाथ की सहायता से हम लोग इसे अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा डो बन गया है। इसे अब हम आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। देखिए आधा घंटा हो गया है और डो सेट हो चुका है। ये देखिए हम इसे गोल बना के देख लेंगे, ये आपस में अच्छे से डो बंध रहा है। अब इसे किचन काउंटर पे अच्छे से मलेंगे और एक बड़ा सा रोल रेडी कर लेते हैं। अब इस डो के हम 5 पार्ट्स करेंगे या आप जितना चाहें। ये 5 पार्ट्स हो गए हैं। अब 4 पार्ट्स अलग उठा के रख देंगे और इस पार्ट में हम एक कलर मिक्स करेंगे। यहाँ मैं ब्लू कलर मिक्स कर रही हूँ। आप अपने इच्छा अनुसार लाइट शेड भी दे सकते हैं, यहाँ मैंने डार्क शेड दिया है। अगर आपके डो में पानी ज़्यादा लग रहा है या थोड़ा लूज लग रहा है तो कोकोनट पाउडर डालकर उसको डो को अच्छा टाइट बना लें और कोकोनट पाउडर ही डालें, मिल्क पाउडर ना डालें। इसी तरीके से हम सारे डो रेडी कर लेंगे अपने कलर के अनुसार। ये देखिए मैंने सारे कलर्स के डो रेडी कर लिए हैं और एक वाइट कलर छोड़ दिया है, यानी कि 5 कलर्स हो गए हैं अब मेरे पास। अब हम हर कलर के डो को रोल करके एक लंबा सा पतला सा रोल बनाएंगे, जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे कीजिए। ये देखिए दूसरा कलर का रोल भी मैंने बना लिया है। इसी तरीके से हम सारे रोल्स बना लेंगे। आप जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप उसी तरीके से बनाइए। और ये लास्ट रोल, फिर हम इसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे एक सेट कर देंगे। फिर यहाँ मैंने बटर पेपर लिया है और इस बटर पेपर के ऊपर
इन सभी रोल्स को सेट कर दिया है और एक बड़ा सा रोल बना लिया है। इसमें मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि ये रोल्स आपस में जुड़ जाएं। इसको बहुत ही सावधानी से करना है। अब इस पेपर को हम खोल देंगे। ये देखिए, सारे रोल्स आपस में जुड़ गए हैं और एक बड़ा कलरफुल रोल बन गया है। अब हम इस रोल के भी छोटे छोटे से पार्ट्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कई सारे पार्ट कर लिए हैं और देखिए ये छोटे छोटे से कलरफुल रोल्स रेडी हो गए हैं। एक एक करके हम इनको रेडी करेंगे। जैसे मैं दिखा रही हूँ आप वैसे कीजिए। ये सारे मैंने एक साइड रख दिए हैं और एक रोल को मैं बना के दिखा रही हूँ। देखिए, एक पतला रोल रेडी हो गया है। अब यहाँ फिर से मैंने बटर पेपर लिया है और इसे इसमें रैप कर दिया है। इसी तरीके से आप प्लास्टिक रैप में भी इन रोल्स को रैप कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे रोल्स रेडी हैं। अब इन रोल्स को हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं आधे घंटे के लिए। ये देखिए, रोल्स रेडी हैं आधे घंटे बाद। ये देखिए कितना अच्छा रोल बन के तैयार है। अब हम इन रोल्स को सावधानी से पीसेज में कट कर लेते हैं, छोटी छोटी बर्फियाँ बना लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बर्फी रेडी हुई हैं। इसी तरीके से सारे बर्फियाँ काट लीजिए। कुछ के लड्डू बनाए हैं मैंने। ये देखिए कितने सुंदर लड्डू बने हैं। अगर आप फूड कलर पाउडर वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा दूध या पानी मिलाकर भी यूज़ कर लें, तभी वो अच्छे से मिक्स बढ़ते हैं। बर्फी बनाते समय उसका रोल अगर बना रहे हैं तो उस रोल को टाइट ही बनाइए। अगर वो रोल लूज रह जाएगा तो बर्फी ढंग से नहीं कटेगी और ना ही अच्छी शेप। बर्फी को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में ही रखें, नहीं तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। ये कलरफुल बर्फी आप भी अपने घर पे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।